Relationship between amino acids and proteins. Proteins hydrolyzed to give peptides and peptides further hydrolyzed to give amino acids. तो अमीनो एसिड सबसे छोटा यूनिट है जिससे मिलकर हमारी प्रोटीन्स बनी होती है. तो पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं? पेप्टाइड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू एंड मोर सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड्स. टू अमीनो एसिड्स आर लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं हम ग्लाइसिन और एलानिन का. ग्लाइसिन NH2CH2COH और यहाँ NH2CH CH3 और ये COH. इससे H और ग्लाइसिन से OH ये निकल जाएगा H2O और दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होकर इस तरह से ग्लाइसिन एलानिन ये डाइपेप्टाइड बनाएंगे. तो ये जो लिंकेज है CONH, इस लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज. तो दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े इसलिए इसको बोला डाइपेप्टाइड. इसी तरह से अगर तीन अमीनो एसिड्स लेते हैं हमने ग्लाइसिन एलानिन स्टेरिन ले लिया, ये तीन यूनिट आपस में कंबाइंड होंगे कंडेंस होंगे और ट्राईपेप्टाइड्स बनाएंगे. तो ग्लाइसिन से OH, एलानिन से H, फिर यहाँ एलानिन से OH और स्टायरिन से H. वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और इस तरह से ये मॉलिक्यूल कंडेंस होके ग्लाइसिन एलानिन स्टायरिन ट्राईपेप्टाइड यूनिट बनाएगा. तो यहाँ तीन ये कंबाइंड हुए ग्लाइसिन एलानिन स्टायरिन. और ये जो लिंकेज है CONH लिंकेज, इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं. ये इस तरह से CONH लिंकेज होगी. ये ट्राई पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर बन रही है. तीन अमीनो एसिड जुड़कर ये ट्राई पेप्टाइड्स ने बनाया है. इसी तरह से 100 से 300 के बीच में अगर अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स कंबाइंड होंगे इस तरह से डाइपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड एंड सोन ओलिगोपेप्टाइड्स बनाएंगे एंड ये मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे. सो पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 100 to 300 एंड दे कंडेंस टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स. नाउ द रोल ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. अमीनो एसिड्स आर नाइट्रोजन स्टोरेज in the body. Amino acids act as buffer in our body because they are amphoteric in nature and the many biomolecules are synthesized from amino acids.